और डिवाइन फेमिनिन को कटअप नहीं करते, क्योंकि उन्हें पहले से पता रहता है कि किसी को पेन में डालना मतलब एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। हमेशा उन्हें ऐसे लगता है कि इन्हें समझने वाला कोई हो। जब अपनी डिवाइन फेमिनिन एक सरेंडर मोड पे आती है, और सरेंडर मोड ये बाय डार्क नाइट ऑफ द सोल और लिटरली जो उनकी एक्टिवेशन होनी है या जो इनको हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ। एक्चुअली मेरा ना थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, तो गला पूरी तरीके से गया हुआ है। इवन अभी भी थोड़ी सी खराश सी बाकी है, लेकिन मैंने कहा कि बहुत दिन हुए, कुछ तो लेके आना चाहिए, राइट? क्योंकि मैंने कहा भी था कि मैं सीरीज़ लेके आऊँगी कि मस्कुलिन की नेचर, मतलब एक लास्ट टाइम जैसे मैंने डाला था एक स्पिरिचुअल मस्कुलिन, तो आज भी मैं एक मस्कुलिन के बारे में डिटेल लेके आई हूँ। आई होप वो पर्टिकुलर मस्कुलिन की पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनियन इस आज के वीडियो से ज़रूर रेजोनेट कर पाएंगी, ठीक है? तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि थ्री टाइप ऑफ मस्कुलिन होते हैं। एक होते हैं स्पिरिचुअल पर्सन स्पिरिचुअल मस्कुलिन, दूसरे होते हैं फैमिली मस्कुलिन वाले डिवाइन मस्कुलिन, फैमिली और डिवाइन मस्कुलिन, और तीसरे वाले होते हैं मैट्रिक्स वन। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ फैमिलियर डिवाइन मस्कुलिन, जो घर गृहस्थी वाले होते हैं, ओके? अब ये जो पर्टिकुलर मस्कुलिन जो होते हैं ना, तो ये मस्कुलिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड, बहुत ज़्यादा नर्वस और बहुत ज़्यादा फियर जो है ये पाते हैं ये जर्नी के बारे में एक बार इन्हें पता चल जाता है या यू नो इंटरेक्ट हो जाते हैं डिवाइन फेमिनियन से। तो ये ज़्यादा कन्फ्यूज होता है डिवाइन मस्कुलिन, ठीक है? फैमिली डिवाइन मस्कुलिन को जैसे मैंने कहा था लास्ट टाइम कि स्पिरिचुअल डिवाइन मस्कुलिन या नट होते हैं, तो फैमिलियर डिवाइन मस्कुलिन तो इज़ लाइक जैसे एक होता है ना कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, मगर जो यू नो ड्रामा कर रहा हो सोने का, उसे उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वाले जो होता है ना, ये फैमिलियर डिवाइन मस्कुलिन होता है। तो चलो थोड़ा सा डिवाइन फैमिली डिवाइन मस्कुलिन की बचपन की बातें हम जानते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मस्कुलर जो अपने डिवाइन मस्कुलर होते हैं उनकी मदर साइड थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, तो फैमिली डिवाइन मस्कुलिन के साथ क्या होता है बचपन में, एक वेल टू डू फैमिली मतलब हाई मिडिल क्लास फैमिली से होता है, जैसे मदर एंड फादर दोनों अच्छी जगह पे अच्छी पोस्ट पे काम करने वाले, अगर मदर हाउसवाइफ भी होगी तो बहुत वेल एजुकेटेड ऐसे होंगे, या ट्रेडिशन में भी होंगे तो उसमें भी बहुत रिच ऐसे उनकी नॉलेज होगी उनकी मदर की, एंड इवन फादर ऑल्सो बहुत अच्छी जगह पे ऑफिस में होंगे तो बहुत अच्छी जगह पोजीशन पे होंगे, या बिजनेस, मतलब एक वेल टू डू फैमिली होती है, हाई क्लास मिडिल क्लास काइंड ऑफ होता है। लेकिन जो फैमिली डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं उनके फादर जो होता है ना, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होता है टूवर्ड्स अपने ये मस्कुलिन के साथ, ठीक है? उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, और इनके फादर्स जो होता है ना टूवर्ड्स देयर वाइफ, मतलब फैमिली डिवाइन मस्कुलिन की मदर की तरफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब प्रोटेक्टिव होते हैं मगर ऑफिस काइंड ऑफ होते हैं, मतलब घरों पे उनका बहुत ज़्यादा ग्रिप होता है ये वाले मस्कुलिन की, डिवाइन मस्कुलिन की फादर की तरफ से, ठीक है? इन लोग के घर पे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये लोग हमेशा ना दबे दबे से महसूस करते हैं, हमेशा फियर में महसूस करते हैं, फियर में रहते हैं। और फैमिली डिवाइन मस्कुलिन की मदर जो होती है ना, थोड़ी सी जो अपनी डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर बहुत कम एज से ही डिपेंड सी होने लगती है, उन्हें जैसे ऐसे लगता है मानो कि ये वाले डिवाइन मस्कुलिन से वो अपने आप को प्रोटेक्ट, मतलब डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में वो अपने आप को कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव फील करना चाहती, कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट फील करना चाहती रहती है, तो वो हमेशा ये वाले मस्कुलिन के साथ, डिवाइन मस्कुलिन के साथ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है? तो दोनों एक दूसरे का सहारा होते हैं लिटरली, मतलब डिवाइन मस्कुलिन, ये जो फैमिली डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं उनकी मदर की तरफ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, इवन फादर की तरफ भी होते हैं, लेकिन जब बहुत ही कम उम्र से वो अपनी माँ को अपनी प्रोटेक्शन में लेना स्टार्ट कर देते हैं,
मतलब कोई कोई गलती ना हो तो उससे पहले ही वो मम्मा की यू नो हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं माँ की, और पापा से भी बहुत बार बचाते हैं। और मेन थिंग उन्हें एक तो समझा हुआ होता है कि पापा की मन मर्ज़ी की सारी चीज़ें हो तो घर में कोई कलेश नहीं होगा या फैमिली में ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होंगी। तो ये हमेशा ये जो फैमिली डिवाइन मस्कुलिन जो होता है अपने आप को दी परफेक्ट दी बेस्ट बनाने के पीछे ही रहते हैं। उनका कंसंट्रेशन जो होता है वो पूरी तरीके से घर में शांति जो है सेट करने का होता है। तो हमेशा ये जो होता है ना घर में बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बहुत कम उम्र से ही घर में जो है अपना डेडिकेशन देते हैं, ठीक है। अपनी माँ बाबा की तरफ बहुत ज़्यादा एक गिविंग नेचर होता है, मम्मा की तरफ थोड़ा सा और ज़्यादा होता है। फिर धीरे धीरे जब ये जॉब की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे भी एक अच्छी पोस्ट पे होता है, ठीक है। और इनके लाइफ में नॉर्मली जो होती है या तो सोलमेट्स या कार्मिक जो भी आएंगी वो आएंगी तो उनके तरफ भी इनका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब लिटरली ये जब शादी करते तो वो टाइम पे अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि जो उन्होंने अपनी पापा की बिहेवियर दिखी है टुवर्ड्स उनकी मदर, वो ऐसा कोई भी बिहेव उनकी वाइफ के तरफ नहीं करेंगे। अच्छा, अब इनका बचपन से ये फैमिली में बैलेंस करते हुए भी कहीं ना कहीं इन्हें अंदर ही अंदर लोनलीनेस और एक फियर सा फील होता रहता है। हमेशा उन्हें ऐसे लगता है कि इन्हें समझने वाला कोई हो, हमेशा इन्हें लगता है कि कोई ना कोई अंदर से ना एक अधूरापन खालीपन सा लगता है, क्योंकि इतनी कम उम्र में घर की बैलेंस लाइफ मतलब जीने की चक्कर में या करने के चक्कर में ना ये कहीं ना कहीं अपने अंदर की इनर चाइल्ड को खो देते हैं। बहुत बचपन से ही एक बबली नेचर जो होता है हर एक डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन में, एक चाइल्डिश काइंड ऑफ जो नेचर होता है ये वाले जो होते हैं फैमिली डिवाइन मस्कुलिन, इनका बहुत कम एज में दब सा जाता है, ठीक है। तो ये बचपन से हमेशा अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे लग रहा होता है कि शायद घर का माहौल ठीक नहीं है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। धीरे धीरे ये जो है अपने आप को इन चीज़ों में ढाल लेते हैं। ओके, शादी हुई तो ठीक, ना हुई तो भी ठीक। अगर अचानक से एक दिन एक वो जो मोमेंट आता है, एक डिवाइन टाइमिंग आती है, और जब हमारी डिवाइन फेमिनिन इनके सामने आती है तो ऑब्वियसली डिवाइन फेमिनिन इनकी ही मिरर सोल होती है, तो उनके जैसी ठहरी हुई बहुत ही बैलेंस्ड होती है। और मिरर रिफ्लेक्शन की वजह से आपको पता है जैसे हम लोग राइट साइड देख रहे होते हैं तो हमें मिरर में हमेशा उल्टा लगता है, तो थोड़ी सी ये बबली भी होती है, बैलेंस के साथ साथ बबली होती है, ठीक है। तो ये डिवाइन मस्कुलिन जो है देख के पहले तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वो जो डिवाइन फेमिनिन की बबली नेचर या उनका जो भी एक बैलेंस जीने का तरीका जो है डिवाइन मस्कुलिन वो कहीं ना कहीं जो है इम्प्रेस कर जाता है, ठीक है। अब इनकी अगर शादी हुई होगी तो ऑब्वियसली अब जब एक्टिवेशन होती है तो मस्कुलिन का फेमिनिन को भूलना या फेमिनिन का मस्कुलिन को भूलना तो इम्पॉसिबल है ये जर्नी में। तो ये सिलसिला जब डिवाइन मस्कुलिन के साथ, फैमिली डिवाइन मस्कुलिन के साथ स्टार्ट होता है तो वो पूरी तरीके से ना डिवाइन फेमिनिन को कटअप नहीं करते, क्योंकि उन्हें पहले से पता रहता है कि किसी को पेन में डालना मतलब एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, किसी की दुख का कारण बनना। तो इसके लिए वो ट्राई कर देते हैं कि ये डिवाइन फेमिनिन को अपनी लाइफ के साथ साथ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी एक बाउंड्री होती है, बहुत हेल्दी बाउंड्री इन्होंने क्रिएट करी होती है, बहुत बैलेंस तरीके से चल भी रहे होते हैं। वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं चाहते कि यू नो अपने से या एफर्ट डाल के या डिवाइन फेमिनिन के मज़े के खिलाफ कुछ भी करे, तो ये बात करने में भी थोड़े से कतराते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन मेरी इतनी बबली होती है, ईजीली ओपन हो जाती है, उनसे सारी बातें शेयर करना स्टार्ट कर देती है। तो लेकिन उसके बाद भी डिवाइन मास्कुलिन कभी भी अपने आप को ओपन डिवाइन फेमिनिन के सामने नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है वो अंदर ही अंदर इन्होंने जो है पूरी तरीके से दबाई हुई होती है, ठीक है। तो अपने आप को ये कभी भी जो है ओपनली बात नहीं कर पाते, ओपन नहीं हो पाते डिवाइन फेमिनिन के सामने। अब जब डिवाइन फेमिनिन धीरे धीरे ओपन होने लगती है तो कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन को ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये जो है सामने जो डिवाइन फेमिनिन ये बिल्कुल इनका रिफ्लेक्शन है, और ये डरने लगते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंदर से इनर कोर से
उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। किसकी तरफ, मतलब डिवाइन फेमिनिन की तरफ। ऊपर से तो दिखा रहे होते कि वो नॉर्मल है, कोई इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मगर अंदर से वो पूरी तरीके से जो है डिवाइन फेमिनिन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। आप एक की मतलब क्या होता है ना, दो पत्थर पे पैर रख के चलना, ये वाले मस्कुलिन के लिए बड़ी मुश्किल की बात होती है। ठीक है, या तो फैमिली की तरफ ध्यान दो या फेमिनिन, अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ ध्यान दो, तो इन्हें बहुत मुश्किल होती है। तो ये क्या कर देते हैं, आफ्टर सम टाइम एक सेपरेशन का मोड आता है, वो टाइम पे ये जो है अपनी घर का हवाला दे के लिटरली क्लियर बता देते हैं कि मैं फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ और मैं कमिटेड हूँ मेरी फैमिली की तरफ, तो तुम अगर कुछ भी एक्सपेक्ट कर रही हो तो ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये टाइम पे वो बेटर अपनी फेमिनिन को जो है जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो अपनाया हुआ था कि मैं किसी को पेन में नहीं डालूंगा, एक सेपरेशन का मोड होता है जब अपने आप उनको बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस होने लगते हैं या अपने आप को बहुत पेन में पाते हैं फेमिनिन की वो अट्रैक्शंस के चलते, तो वो जो है यहाँ पे प्रीफर करते हैं कि वो अपनी डिवाइन फेमिनिन का मन दुखा दे और पूरी तरीके से क्लियर वो बातें बताना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं मेरी फैमिली में कमिटेड हूँ या हम दोनों जो भी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है या हमने ये तरीके से ये करना नहीं है। तो बहुत बैलेंस चल रहे होते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेरी डिवाइन फेमिनिन जो है धीरे धीरे जो है उनकी एक्टिवेशन होने लगती है, उन्हें ये जर्नी के बारे में पता चलने लगता है, यह अपने आप में जो है इनर वर्क की तरफ वो बढ़ने लगती है, क्योंकि इनर वर्क की तरफ बढ़ना डिवाइन फेमिनिन की एक ड्यूटी ऐसी भी हो जाती है क्योंकि उन्हें वो अपने आप को हील करना चाहती है। जो पहले मस्कुलिन से मिलने से पहले उनकी जो लाइफ थी वो कहीं ना कहीं फिर से वो पाना चाहती है, इसके लिए वो जो है इनर वर्क की तरफ बढ़ती है अपने आप को हील करने के लिए। पहला उनका मोटिव ये होता है, इनर वर्क ये नहीं होता कि मस्कुलिन को पाने के लिए, इनर वर्क ये होता है कि पहले मैं हील हो जाऊँ, पहले मैं नॉर्मल हो जाऊँ, जो अब नॉर्मल वो फील कर रही होती है उनको ऐसे लग रहा होता है कि पहले मैं नॉर्मल हो जाऊँ, इसके लिए वो इनर वर्क करती है और धीरे धीरे जो अपने आप को बैलेंस करती है उनको जो है मिरर करते करते यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन भी जो है बैलेंस होने लगते हैं। ठीक है, तो ये वाले डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं फैमिली में बहुत बैलेंस मतलब बैलेंस लाइफ चलने के आदि होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है इन वाले मस्कुलिन की अवेकनिंग होना। ओके, डार्कनेस ऑफ द सोल और लिटरली जो उनकी एक्टिवेशन होनी है या जो इनको ये जो फियर या जो डिवाइन फेमिनिन उन्होंने अंदर ही अंदर कहीं तो दबाई हुई होती है, ये सारे एक्टिवेशन होने के लिए डिवाइन फेमिनिन ने जो है पूरी तरीके से सरेंडर मोड पर आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि ये वाले मस्कुलिन ऐसी जर्नी को पूरी तरीके से नकारते हैं। अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि कुछ ना कुछ तो है डिवाइन फेमिनिन के साथ, लेकिन पता होने के बावजूद भी उनका ऐसा होता है कि सो व्हाट, अगर ये मैं जर्नी में हूँ तो क्या, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ इसके पीछे नॉल वगैरह, तो ये मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये नकारते रहते हैं। ठीक है, तो इनको बैलेंस करने के लिए जब डिवाइन फेमिनिन अपनी सरेंडर मोड में आती है, पूरी तरीके से गिव अप कर देती है और सारी जो चीज़ें जो है अपनी यूनिवर्स की तरफ सौंप देती है, तभी जो है ये वाले जो अपने फैमिली डिवाइन मस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग होना स्टार्ट होती है। अब इनका जब डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है तब इन्हें पता चल जाता है कि वो जो जी रहे थे वो एक्चुअली वो जो उनकी जो लाइफ थी ये उनकी एडजस्टमेंट वाली लाइफ थी, जो उन्होंने अपने आप पे थोपी थी, जो उन्होंने बचपन से देखा था, उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए अपनी मदर को या अपने आप को वो जो है लिटरली एक खोखली दुनिया में वो जी रहे हैं या जी जीते जा रहे हैं, तो उन्हें वो जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल का पहला शॉक वहाँ पे हो जाता है, उनको एक पहला ट्रिगर वहाँ पे मिल जाता है। अब ये जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं ना, तो इनकी लाइफ पार्टनर जो होती है, कार्मिक कहिए या सोलमेट कहिए जो भी, ये इनके साथ इनको साथ लेके ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, डिवाइन मस्कुलिन की जो कार्मिक या जो उनकी सोलमेट्स होती है थर्ड पार्टी मतलब, ये इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होती, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है और यहीं पे जो है डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है और उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने जितना एफर्ट डाल के
अपनी सारी चीज़ें जिनके साथ वो स्पेंड करी है या इन्वेस्ट करी है वो सारी फेल है एक्चुअली, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगते हैं और अपनी इस जर्नी की तरफ जो है बढ़ने लगते हैं। फिर उन्हें पता चल जाता है कि डिवाइन फेमिनिन जो चीज़ें बता रही थी, जो इनकी तरफ अनकंडीशनल थी, उन्हें कुछ चाहिए नहीं था, उसकी वैल्यू वो समझने लगते हैं। मेरी आवाज़ के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बैड थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है मुझे। सो ऐसी ये जर्नी का जो होता है, एक फैमिली डिवाइन मस्कुलिन की जर्नी का एक एक सफ़र, उनकी एक ऐसी एक ये जर्नी होती है, ऐसा उनका एक सफ़र होता है या कैसे मतलब एक पेन होता है, फियर होता है, बहुत सी एडजस्टमेंट होती है। तो स्पिरिचुअल डिवाइन मस्कुलिन एक अपनी ही दुनिया में अपने आप से फाइट कर रहे होते हैं, तो फैमिलियर डिवाइन मस्कुलिन जो है अपनी थीडी लाइफ में और अपनी इनर कोर से बैलेंस होने की कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो ये दोनों में चलते ना इनके जो है अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें अप एंड डाउन होना स्टार्ट होती है, और तब उन्हें पता चल जाता है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना ही इनके पास एक ऑप्शन है जिससे वो अपने आप को हील कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मस्कुलिन भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि इनके भी डार्कनेस ऑफ द सोल, फिर रात को जो होती है उनकी यू नो नींद ना आना और ओवर थिंकिंग, फियर का बढ़ना और हर चीज़ों पे जो है अविश्वास सा इन्हें होने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि जिसके ऊपर भी ये विश्वास करते हैं कुछ ना कुछ होने लगता है, चीज़ों को जो है थक जाता है कहीं ना कहीं सबको लेके चल चल के। अब वो कहीं ना फ्री फील करना चाहते हैं, अपने आप के लिए जीना चाहते हैं और वो एक स्टेप्स एक लेने की कोशिश करते हैं या लेने की सोचते हैं, लेकिन ये तभी हो पाता है गाइस जब अपनी डिवाइन फेमिनिन एक सरेंडर मोड पे आती है, और सरेंडर मोड ये बाय नेचर आता है, ये बाय यू नो सोच के या ज़बरदस्ती का नहीं होता। सरेंडर मोड ये अंदर से आना होता है, जब अंदर से हम फील करते कि यस मैं अब सरेंडर मोड पे और मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उनका अपने आप ही अंदर से जो है डिवाइन फेमिनिन का मन जो है बिल्कुल ब्लैंक सा हो जाता है, वह नम सी हो जाती है, वही सरेंडर मोड वो हमें चाहिए रहता है, वही पाने के लिए थोड़ी सी डिवाइन फेमिनिन जो है मेरी स्ट्रगल कर रही होती है। तो ये नेचुरल भी होना चाहिए ये सरेंडर मोड, ये मतलब मैं आज से सरेंडर हूँ लेकिन मैं स्टॉक भी कर रही हूँ और मैं करूँगी भी फॉलो, और उसके बाद भी मैं कहूँगी कि मैं सरेंडर हूँ क्योंकि मैंने उनको कोई कॉल या मैसेज नहीं करा, तो ये सरेंडर नहीं होता। सरेंडर बाय नेचर आना होता है, सरेंडर ये अंदर से होता है, ठीक है। तो हम सरेंडर के लिए वेट करेंगे, और होती है सरेंडर मोड आता है हर एक डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में, सरेंडर मोड आता है अपनी मस्कुलिन को जो है, अगर नहीं लेकिन मस्कुलिन को मस्कुलिन का भी एक टाइम आता है डिवाइन फेमिनिन को फॉलो करने का, तो डिवाइन से ही एक ऐसी चीज़ें होती है अपने आप ही जो है डिवाइन फेमिनिन मेरी सरेंडर मोड पे आ जाती है। ये डिवाइन जर्नी है, तो डिवाइन के हाथों में जब हमारी डोरी हम देते हैं ना, तो उन्हें बराबर पता रहता है कि कौन से मोमेंट पे किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या करना है मतलब डिवाइन फेमिनिन के साथ और डिवाइन मस्कुलिन के साथ क्या करना है, ठीक है। तो बस हमने वही एक विश्वास हमने अपनी यूनिवर्स के ऊपर डालना है और हमने जो है आग बंद करके अपनी ये जर्नी उनके हाथों में दे देनी है, फिर देखना कि कैसे कमाल हो जाता है ना। तो ऐसे रहते अपने फैमिली डिवाइन मस्कुलिन बहुत हार्ड उनको समझाना बड़ी चीज़ है, क्योंकि कैसे मतलब जो बचपन से जिन्होंने अपने आप को डाली है वो चीज़ें, उनसे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस ये वाली फेमिनियन मतलब जो फैमिलियर डिवाइन मस्कुलिन की जो डिवाइन फेमिनियन है मेरी, उनके पास होना बहुत कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की गाइडेड वीडियो, आई होप आप सभी से रेजोनेट करी होगी, अगर करी होगी तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मैं मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिल, तब तक के आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।